मेरे पास ने ये होम थिएटर आया हुआ है जो कि लंबा वाला होम थिएटर हो गया। इसी ने हमारा डबल ट्यूटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा पैनल लगा हुआ है और मेन बूफर यहाँ पर हो गया और इसका जो कि बोर्ड होता है वो पीछे हो गया। तो क्या करते कि इसको देखते हैं लाइन पर लगा के कि इसमें हमारा कौन सा फॉल्ट है। तो ये हो गया हमारा लाइन इनका ब्लॉकर, इसको लाइन पर लगाते हैं। तो लाइन पे लगाते हैं, हमारा ये रेडियो का जैसा आवाज़ कर रहा है यानी कि सनसनाहट आ रहा है। इसमें हमारा लाइन आ गया था जो कि पैनल भी लगता है कि ओके है, लेकिन क्या है कि हमारा इसमें सनसनाहट का आवाज़ आ रहा है। तो क्या करते कि चलते और इसको ओपन कर रिपेयर करते। तो क्या करेंगे कि जो कि हमारा इसका पीछे में मेन बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, तो मेन बोर्ड को सबसे पहले ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारा इसमें फॉल्ट है। तो ये हो गया हमारा मेन बोर्ड जो कि इसमें हमारा क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑडियो आईसी लगा हुआ है जो कि 20-30 IC हो गया, तीन पीस इसमें लगा हुआ है 20-30 IC, और यहाँ पर 78-05 IC हो गया, और जो कि ट्रांसफार्मर तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे फॉल्ट पर हम सबसे पहले जो कि हमारा पैनल से आता है इनपुट इसमें जो कि ऑडियो, तो उस पैनल को क्या करेंगे कि हम वोल्टेज को ओपन कर देंगे। तो यानी कि हमारा पैनल से भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पैनल को क्या करेंगे कि हम डिसकनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा 78-05 IC यहाँ पर लगा हुआ है, और आउटपुट पिन हमारा जो कि ये है, और इसी के ट्रैक पर ये हमारा रेड वायर कनेक्ट है। तो ये पैनल का जो कि VCC होता है इनपुट जो कि 5 वोल्टेज हो गया, इसको हम डिसकनेक्ट कर दिए। इसको डिसकनेक्ट करने का मतलब हो गया कि हम चेक कर पाएंगे कि हमारा पैनल की तरफ ख़राब है या ये हमारा बोर्ड की तरफ ख़राब है। तो जो कि हमारा पैनल से इनपुट होता है हमारा ये बोर्ड पर जो कि ऑडियो इनपुट होता है, तो इसको हटा देने पर क्या होगा कि वो ऑडियो इनपुट नहीं होगा। तो हमको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा ख़राबी है, इस मेन बोर्ड पर ख़राब है या पैनल पर। तो क्या करेंगे कि इसको हम डिसकनेक्ट कर दिए और फिर से इस पर लाइन पर लगाएंगे। लाइन पर लगाते ही हमारा फिर से वही जैसा कि सनसन का आवाज़ आने पर क्या होगा कि हमारा जो कि मेन बोर्ड पर ख़राब होगा जो कि पैनल हमारा ओके होगा। तो क्या करते कि इसको हम लाइन पर लगाते हैं। तो लाइन पे लगाते ही हमारा अभी भी सेम ही प्रॉब्लम है पैनल का, ये इसका मतलब पैनल का ख़राबी नहीं है, हमारा ख़राबी कहाँ है तो ये मेन बोर्ड पर ख़राब है यानी कि ऑडियो IC कहीं पर ख़राब होगा। तो क्या करेंगे कि हम एक एक ऑडियो IC को चेक करेंगे जो कि हमारा 3 IC लगा हुआ है, जो कि एक मेन बूफर के लिए हो गया जो कि ये हमारा हो जाता है मेन बूफर के लिए ए वायर, और ये 3 वायर हो जाते हैं हमारा जो कि ये 4 वायर है जो कि हमारा 2 क्या है तो ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, और ये दोनों मेन हो गया। तो एक एक कर हम क्या करेंगे कि डिसकनेक्ट कर चेक करेंगे कि हमारा IC पर तो ख़राबी नहीं है। क्या करते कि सबसे पहले एक हम स्पीकर का जो कि ट्यूटर का वायर होता है ये येलो वाला वायर को क्या करते कि डिसकनेक्ट कर देते हैं और चेक करते, इसको डिसकनेक्ट कर दिए और क्या करते कि फिर से लाइन पर लगा कर देखते हैं। तो अभी भी सेम ही प्रॉब्लम है। तो क्या करते कि आप ये जो कि ये व्हाइट वाला है इसको डिसकनेक्ट कर चेक करते हैं। तो अभी एकदम ओके जो कि आप मेन IC को चेक कर लेते हैं। जो कि हमारा मेन IC एकदम ओके है। तो पहले क्या किए थे तो पहले वाला को पहले येलो वाला वायर को क्या किए थे तो डिसकनेक्ट किए हुए थे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट कर लिया, अभी भी सनसनाहट का आवाज़ नहीं आ रहा है, और चेक करते हैं ऑडियो को तो ये एकदम ओके, और ये व्हाइट वाला को चेक करते हैं टच कर देखते हैं, यानी कि हमारा जो कि व्हाइट वाला वायर है इससे कनेक्टेड जो कि IC हो गया वो IC हमारा लगता है कि ख़राब है। तो क्या करेंगे कि जो भी IC हो इस ट्रैक में उस IC को क्या करेंगे कि हम इसको ओपन कर दूसरा IC लगा कर देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा हमारा IC इसमें, ये ट्रैक हो गया यहाँ से, यहाँ पर हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये ट्रैक चलाता है यहाँ पर जो यानी कि हमारा ये लास्ट वाला IC यानी कि ये IC ख़राब होगा। एक बार क्या करते कि कूल टेस्टिंग कर देखते हैं कि हमारा सेम यही IC तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखें और चेक करते हैं, यहाँ पर आ गए और यहाँ से क्या है तो यहाँ पर चेक करते हैं जो कि यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है यानी कि हमारा ये लास्ट वाला IC हो गया, तो ये लास्ट वाला IC ख़राब है। तो क्या करते कि सबसे पहले ये IC को चेंज कर देखते हैं।
तो ये आईसी को मैंने निकाली और क्या करेंगे कि इसकी जगह पर दूसरा आईसी लगाएंगे जो कि इसका नंबर हो जाता है 20-30, तो इतना ही नंबर का दूसरा आईसी क्या करते कि इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद इसमें लगाएंगे हम। ये हो गया हमारा दूसरा आईसी जो कि इसका भी नंबर सेम है 20-30, तो ये आईसी को लगा कर देखते हैं इसमें। तो ये आईसी को कनेक्ट कर ले और क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको जो कि हम स्पीकर का वायर को ओपन किए हुए हैं तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में चेक करेंगे सबसे पहले आईसी को जो कि इससे पहले क्या हो रहा था। तो रेडियो के जैसा आवाज़ आ रहा था, सन का आवाज़ आ रहा था, सनसनाहट का आवाज़ आ रहा था। तो फिर से क्या करते कि इसको चेक करते हैं, तो लाइन पर लगा दिए और ऑडियो भी आ रहा है जो कि आप भी सुन सकते हैं। हमारा ये आईसी एकदम ओके हो गया है। और क्या करते कि जो कि पैनल का जो कि हमारा वायर है इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हम VCC वायर को क्या किए थे तो ओपन किए हुए थे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं FM मोड। तो इसको भी कनेक्ट कर लिए और ये हमारा FM मोड पर चला गया है। तो क्या करते हैं कि इसके हम इसने हम तो क्या करेंगे कि ये हमारा FM मोड पर चला गया है। तो इस पर हम क्या करते हैं कि आपको सॉन्ग बजा कर दिखाते हैं। हम किसी दूसरे की अमानत है। तो आप भी सुन सकते हैं हमारा ये जो कि होम थिएटर एकदम ओके हो गया है। जो कि इसमें खराबी क्या था, तो हमारा ये ऑडियो आईसी खराब था तो इसको हम चेंज कर दिए, यानी कि ये 20-30 आईसी को हम चेंज कर दिए तो ये हमारा एकदम ओके हो गया। तो ऐसे फॉल्ट में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पैनल को चेक करेंगे कि पैनल से हमारा खराबी तो नहीं है। तो पैनल को चेक करने के बाद में क्या करेंगे कि हम मेन बोर्ड को चेक करेंगे। तो ऐसे कर कर हम ऐसे फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।